उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दबंगों की दबंगई इस कदर हावी है कि दबंगों ने एक सब्जी विक्रेता की सब्जी को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की व महिलाओं के साथ अभद्रता की। सब्जी विक्रेता का कसूर केवल इतना था कि उसने दबंगों को 500 रुपए नहीं दिए, जो दबंगों को नागवारा हुआ। दबंगों ने उसकी सब्जी की दुकान को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। पीड़ित विक्रेता ने आरोप लगाया कि कोतवाल के सामने होते हुए भी पुलिसकर्मी मेरी मदद करने नहीं आए। मामला हमीरपुर के मोहदा कोतवाली के सामने का है, जहां पर कोतवाली के सामने ही दबंगों ने सब्जी वालों के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ितों के अनुसार कुछ दबंग सब्जी वालों से जबरन पैसे मांग रहे थे। इसका विरोध करने पर दबंगों ने बुजुर्ग और महिलाओं के साथ मारपीट की, उनकी सब्जी की दुकानों को रोड पर फेंक दिया। ये पूरा माजरा कोतवाली के सामने चलता रहा, लेकिन कोई पुलिसिया अफसर ने बाहर आना मुनासिब नहीं समझा। जब दबंग सब्जी दुकान को निस्तानबूद करके चले गए, तब पुलिस महज खाना पूर्ति करने के लिए पहुंची। यह घटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है कि जब थाने के सामने ही दबंगों ने उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ कर महिलाओं व पुरुषों के साथ अभद्रता और पिटाई कर रहे थे, तब पुलिस का खौफ अपराधियों में क्यों नहीं था। फिलहाल पीड़ित ने तहरीर दी है, जिस पर पुलिस कार्रवाई होने की बात कर रही है। हमीरपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। ये भाई ये सामने जो दुकान ये पक्की बनी है निगम ने, कहने लगा 500 रुपए दो, 500 नहीं 200 दो, मेरी बच्ची को लिया उठा के ऐसे वो कर दिया, तो वो वहाँ गई थी, मेरा सामान लिया पूरा फेंक दिया। साले ऐसे ही होगा आप और तुम्हारे साथ, मैं ऐसे ही करूँगा। मैं जो है सामने पुलिस थी, आई नहीं कोई, अरे कोई नहीं, हल्ला होता रहा, कोई नहीं आई, बच्ची दौड़ के गई थी, थोड़ी देर के बाद पुलिस आई है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कहा, कहने लगे ये लगा लो रोड से छोड़ के लगाओ। मैंने कहा सामने वहाँ से लगाए, तो पीछे से ये मेरा सामान सब फेंक दिया है। तो कहने लगे बटोल लो। तो मैंने कहा साहब बताइए, मेरा ये गरीब आदमी, मैं मेरा जो 15-2 हज़ार के लगभग का सामान, महंगा सामान है साहब, तो मैं कहाँ से भरूँगा, अड़तियान का कहाँ से दूँगा, बच्चों का पढ़ना मुश्किल पड़ा है, नाती है छोटे छोटे, बेसहारा जो है लड़की है ये मेरे साथ में है, ऐसे अपने साथ में लगाए रहता हूँ कि ताकि जो है बच्चे पढ़ रहे किसी तरीके से है। तो इन्होंने कैसे ये सब्जी गिरे, किसने फेंक दिया? बस देखो यही जो पर इसी से घर मकान बनाने ये कहा, और कह रहे थे 500 रुपये दे दो हमें दारू पीने के लिए, तो हमने कहा भाई साहब आप तो अभी घर से आ रहे हैं, कहाँ से गए, मुझे कहा सौ ही दे दे दो हमें, तो मैंने कहा आप ही नहीं बेटा, अब हम अब लगाने दो, हमें बेचने दो, बस उठा के चलाने लगा, मारने लगा। किसको मारा है? हमें मारा और ये बुड्ढे को मारा है, लड़की का उठा के फेंक दिया, तो उठा के रखने लगी कि चलो हम अलग कर ले रहे, तो उठा के झटकोड़ के बस वहाँ फेंक दिया क्या हाथ करके। ये थाने के सामने ये सब मारपीट कर रहा था, तो पुलिस नहीं आई? आपने बुलाने गई थी लड़की, जब बाप को मार रहा था तो आए नहीं थे, नहीं आई थी बेटा, फिर बाप के आई जब वो चला गया। क्या नाम है आपका? शकीलाबाद। क्या हो गया साहब? हमें मारा है, हम उठाने लगे सामान, हम समेट लेंगे, तो उन्होंने हमें इतनी कस के फेंका कि हम वहाँ गाड़ी के पास गिरे। काय की वजह से? सब्जी लगाने तो कहती यहाँ पर दुकान न लगाओ। सुबह की घटना है, जिस समय सब्जी लगाई जाती है, एक सब्जी विक्रेता थे, उन्होंने सब्जी लगाई तो अगल बगल में कोई डाल थी जो टूट गई थी, तो एक स्थानीय व्यक्ति ने विरोध किया था, तो हल्की सी कहासुनी हुई थी, थाने पर कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई, तब तक थाना प्रभारी पहुंच गए क्योंकि थाने के नजदीक था, उन्होंने समझा दिया, दोनों पक्ष को कोई और बात नहीं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।